पश्चिम बंगाल के कोलकाता में एक महिला डॉक्टर के साथ हुई बर्बरता और हत्या ने पूरे देश में आक्रोश की लहर पैदा कर दी है। डॉक्टर एसोसिएशन और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने इस घटना की निंदा करते हुए विरोध प्रदर्शन किए हैं। सतना में भी इस घटना को लेकर भारी नाराजगी देखी गई, जहां डॉक्टरों ने एक दिन का पेन डाउन हड़ताल किया और जिला अस्पताल से पन्नीलाल चौक तक कैंडल मार्च निकालकर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। सतना में यह आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इस जघन्य अपराध के खिलाफ त्वरित न्याय की मांग पूरी नहीं हो पा रही है। अब तक डॉक्टरों के साथ साथ छात्र छात्राएं भी सड़कों पर उतर आए हैं और पीड़ित परिवार के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। बुधवार को सतना पीजी कॉलेज के छात्रों का एक बड़ा समूह सिमरिया चौराहे की तरफ जुलूस निकालते हुए देखा गया, जिसमें महिलाओं की सुरक्षा और नारी शक्ति को बढ़ावा देने की मांग की गई। छात्र संघ की नेता शिखा तिवारी ने तलवार हाथ में लेकर मार्च किया और सरकार से आग्रह किया कि दोषियों को जल्द से जल्द सजा दी जाए। के साथ हमें ये रैली निकालनी पड़ रही है। जो हमारी डॉक्टर बहन मोबिता के साथ हुआ है, उसके लिए तो हम सब वो भरपाई कर नहीं सकते, पर एक बेटी होने के नाते, एक नारी होने के नाते, एक भारत देश या विश्व में कहीं भी हम रह रहे होते तो हमें ज़रूर करते, और उसमें हमारे सारे भाई सहयोग कर रहे हैं। और यहाँ पे मेरा सभी पॉलिटिकल पार्टी से अनुरोध है, विनम्र जो भी सारे बड़े लोग हैं उन सबसे अनुरोध है कि कृपया हम सबको सहयोग करना चाहिए और उन सभी अपराधियों को फांसी, तो ठीक बात है, नॉर्मल चीज़ है, नॉर्मल एक ही बार उनको दर्द होगा, पर हम सबकी मांग अगर दिल से पूछी जाए तो ये है कि उन्हें चौराहे पे खड़े करिए और पब्लिक के बीच में फांसी दीजिए, जिससे 2-4-10 अपराधियों के परसेंटेज में कमी आए, और ऐसा करने से पहले लोग 10 बार सोचें कि अगर हम ऐसा करते हैं तो कल हमारे साथ क्या हो सकता है। इस दौरान छात्रों का नेतृत्व कर रहे अतुल पांडे ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के फैसलों और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए और कहा कि नारी सशक्तिकरण के प्रतीक के रूप में तलवार उठाने का उद्देश्य महिलाओं को आत्मरक्षा के लिए प्रेरित करना है। यह घटनाएं देश में बलात्कार की आए दिन होती हैं और हमेशा से होती आई, ये कोई पहली बार नहीं है कि हम सड़कों पर निकल के प्रोटेस्ट कर दे रहे हैं तो इससे कोई कल अपराध रुक जाने वाला है। समस्या इस बात की है कि जहां पे अपराध हुआ उस जगह पे अस्पताल प्रबंधन ने इतनी लापरवाहियां की, वहां की लोकल पुलिस ने इतनी लापरवाहियां की कि मतलब दिखते हुए कि ये साक्षात बलात्कार है, उसको उन्होंने आत्महत्या का प्रयास दर्शाया कि इन्होंने आत्महत्या की। उनके माँ बाप को 3 घंटे तक मिलने नहीं दिया, मतलब इतना बड़ा जघन्य अपराध हुआ है आपके प्रदेश में, और वहाँ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को संज्ञान लेके मामला CBI को देना पड़ा है। हमारे ये तलवार देने का इनके हाथ में उद्देश्य ये था कि हम लड़कियों को ये जागरूकता कि भाई आप पुलिस प्रशासन दुनिया से आप उम्मीद अब ना लगाएं, आप कहाँ तक किससे उम्मीद करेंगे, आप खुद में सक्षम हो, इस तलवार का ये उद्देश्य था। ये मैसेज है लड़कियों के लिए समाज की कि आप किसी से उम्मीद ना लगाएं, आप हर उस व्यक्ति को, ये कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राएं हैं, यदि इनके कॉलेज में ऐसा कोई व्यक्ति दिखता है जो मतलब नियत गलत है या किसी भी तरह है, ये उसका प्रतिकार खुद कर सके। ये किसी के भरोसे ना रहे कि पुलिस आएगी, प्रशासन आएगा, कॉलेज प्रशासन बोलेगा, कोई नहीं बोल रहा। घटना होगी, हम जैसे 4 लोग आएंगे, सब अपना राजनीतिक रोटी सेकेंगे, जो हालात है उसमें परिवर्तन नहीं आना है। अपन ये बोलते थे कि बेटी पढ़ी लिखी होगी उसके साथ अपराध नहीं होंगे, वो लड़की तो डॉक्टर थी भाई। यदि आप ये शिक्षा ही पैमाना है कि लड़की शिक्षित होगी अपराध कम होगा, तो डॉक्टर के साथ कैसे बलात्कार हो गया। मेरा यही कहना है सभी बेटियों से और समाज से भी कि आप सब लोग आगे आए इस मुद्दे को लेके और उस बालिका को न्याय दिलवाएं, उस डॉक्टर को न्याय दिलाएं, क्योंकि डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप मानते हैं। ममता बनर्जी अपने पद से इस्तीफा दें, उन्होंने किसी भी तरह से हित नहीं किया है, उनकी नैतिक जवाबदेही बनती थी। आप बताएं, 3 हत्या उनकी 4:37 में हुई, 6 बजे पहली जानकारी मिलती है, आप 4 घंटे FIR नहीं होती है। आपने कहीं ऐसी घटना नहीं सुनी होगी जहां पोस्टमार्टम के बाद FIR दर्ज की गई हो। ये ममता बनर्जी के शासनकाल में पहला ऐसा मामला हुआ है कि PM के बाद FIR दर्ज की गई। जो प्रिंसिपल थे उन्होंने 3 घंटे पहले इस्तीफा देते हैं वो, और 4th घंटे उनको नेशनल कॉलेज ऑफ मेडिकल में चार्ज में जाता है। सरकार चुनाव लगाया जाना चाहिए, क्योंकि महिलाओं के लिए
ममता बनर्जी सरकार तो बिल्कुल ठीक नहीं है। और मैं मोदी सरकार और केंद्र सरकार से विनम्र निवेदन करना चाहती हूँ, अपनी बहनों के माध्यम से, खुद बेटी होने के माध्यम से, कि इसमें कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। जय हिंद, भारत माता की जय। दोबारा ये नहीं होना चाहिए हमारे भारत देश में, यही मैं आप सबसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। देश भर में इस घटना को लेकर गुस्सा और भय व्याप्त है। लोग सवाल कर रहे हैं कि महिलाओं के खिलाफ ऐसे जघन्य अपराधों का सिलसिला आखिर कब थमेगा। सतना के नागरिक भी इस मामले में जल्द से जल्द न्याय की उम्मीद कर रहे हैं और दोषियों को कड़ी सजा दिलाने की मांग कर रहे हैं। लोकल 18 के लिए शिवांग द्विवेदी की रिपोर्ट, सतना।